अब्बू मुझे हिसाब का सवाल बता दे। हिसाब? अच्छा अच्छा पूछो। अब्बू अगर आपकी पतलून की एक जेब में 6,200 रुपए हो और आपकी पतलून की दूसरी जेब में 8,300 रुपए हो तो ये कुल कितने रुपए होंगे, इसका ठीक ठीक जवाब बता दे। हाँ, एक जेब में 6,200 रुपए और दूसरी जेब में 8,300 रुपए तो बेटे इसका सही जवाब ये हुआ कि मैंने गलती से डीआईजी साहब की पतलून पहन ली। अजी सलाम जी। जनाब अजी किधर है, किधर की तैयारी है, कोई असला वसला तो नहीं है? नहीं नहीं जनाब बिल्कुल नहीं। हम जरा चेकिंग करेंगे जी। अच्छा जी, जरा चाबी इनायत करें। हाँ भाई दरवाजा खोलना, चेक करना, बॉनेट खोलो। माफ कर दिया भाई, मैं टेलीविजन की जानिब से आया हूँ। तो मैं क्या करूँ भाई, आजकल हम लोग बेरोजगार लोगों के इंटरव्यूज कर रहे हैं, इस सिलसिले में आपसे बात करना है। हाँ तो आप क्या करते हैं? मैं पीछे पीछे आवे आवे जीतेगा भाई जीतेगा, मैं आवे आवे जीतेगा भाई जीतेगा। अरे आवे आवे बात दरअसल ये भाई, मैं जो हूँ सियासी वर्कर हूँ। अच्छा, मेरा नाम क्या है आपका? क्यों पूछ रहे हैं? बस एक तबीयत चाह रही थी नारा मारने को। अच्छा नहीं लगता। अच्छा अच्छा, ये बताएं आमदनी का जरिया क्या है? भाई देखिए जीतेगा भाई जीतेगा, आवे आवे जिंदाबाद पाइंदाबाद ये तो नारे हैं, इसी में तो सब कुछ पोशीदा है भाई। बात दरअसल ये 25 पैसे जीतेगा भाई जीतेगा के 75 पैसे आवे आवे और रुपल्ली मिल रही है जिंदाबाद की। नाम क्या है भाई आपका? नहीं नाम मत पूछिए मेरा। आपका कयाम कहाँ है? आपका एयरपोर्ट पर कयाम, और अगर लीडर से कुछ बच गया तो काम। मेरा नाम क्या है? मेरी बात का जवाब, आजकल किस पार्टी के साथ हैं? लो मियां बड़ा भिन्नौट सवाल किया भाई आपने, बड़ा भिन्नौट सवाल किया है, क्योंकि जिस पार्टी के साथ हमें हमें ये नहीं पता होता है कि वो पार्टी किसके साथ है। नाम नहीं बताया आपने, अटक रहा नारा यहाँ पे। नहीं मेरा नाम रहने दे। महीने में आप कितने पैसे कमा लेते हैं? मैं अपने तक ही रखना बात भाई, अपने तक ही रखना बात। दरअसल ये है मियाँ कि कभी कभी किसी की फेवर में नारा मार के इतना नहीं मिलता जितना किसी के खिलाफ नारा मारने से मिलता है। क्या मतलब? मैं क्लियर समझाता हूँ। देखो जैसे कि मेरे मामू है, फर्ज करो जी, हैं तुम उसके मुकाबले पर खड़े हो गए हैं, मेरे मामू ने मुझसे ही बुला के ये ऑर्डर किया कि तेरे हलके में जाके तेरे मुंह पे तुझे धड़ाधड़ दूं गालियां। ये गालियों का लफ्ज़ इस्तेमाल नहीं, लैंग्वेज ही यही चल रही है भाई, लैंग्वेज ही यही चल रही है जी जी। हाँ कभी कभी तो एक एक गाली तो 100-100 ऊपर मिल जाते हैं। मेरा नाम क्या है भाई आपका? ये बताए, हाँ गालियों के बावजूद अगर उम्मीदवार हार जाए फिर? बस तो फिर मामू से गालियां पड़ती हैं। वर्कर की जिंदगानी भी क्या जिंदगानी है भाई। जमहूरियत के आ जाने से आप लोगों को फायदा हो रहा होगा। नेक मिले क्या, सभी कुछ कमा रहे हैं भाई, कुछ ना कुछ कमा रहे। मेरा नाम क्या भाई आपका? मैं आपसे कह रहा हूँ ना, मेरा नाम बताने से फायदा नहीं होगा, बस नारा निकलना चाह रहे हैं बस कुछ। मैं अच्छा नहीं लगता बिल्कुल। आपके वालिद क्या करते हैं? अरे मियाँ अब्बा मियाँ की क्या जिक्र छोड़ दिया भाई, अब्बा मियाँ का इंतकाल एयरपोर्ट पे ही हुआ था। वो कैसे? उन्होंने गलत नारा मार दिया था, बस डर के मारे वहीं मार गए। बड़ा गलत नारा मारा था। क्या नारा था? बस चलो अपना काम करो मियाँ, मैं जा रहा हूँ, फ्लाइट का टाइम हो गया। कौन आ रहा है? हाँ कोई नहीं रिया भाई, मैं जा रहा हूँ सियासी एक जलसा कराने के लिए गुजरांवाला। वहाँ सुना है कि 7-8 आदमी पहुँचे, जुलूस लेके जा रहे हूँ पहलवानिया से। अच्छा मियाँ नाम बता दो भाई किसी तरह। खुदा आवे आवे खुदा आवे 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 खुदा आवे आवे आवे। कांग्रेचुलेशन माय बॉय, कांग्रेचुलेशन। अस्सलाम वालेकुम सर। आपने डिपॉजिट टारगेट पूरा करके ब्रांच का नाम रोशन कर दिया। सर आप शर्मिंदा ना करें सर। ये 4 करोड़ का टारगेट 2 दिन में कैसे पूरा कर दिया आपने? सर वो किसी की मेहनत रायगार नहीं जाती सर। हाँ सच कहते हैं सच कहते, आजकल के जमाने में इतना कैश लाना कोई आसान बात नहीं है। नहीं सर। ये कैसे हुआ? सर ये सारा टारगेट मेरे ससुर ने पूरा किया है सर। आपके ससुर ने 4 करोड़ जमा करवा दिए? हाँ सर। अच्छा ये आपके ससुर करते क्या है? वो सर डाकू है सर।